आज मैं आपके लिए फिर से कुछ ऐसी एक्सरसाइज लेके आई हूँ जो कि आपके बेली फैट को रिड्यूस करेंगी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे जो वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बेली फैट एक्सरसाइज बताई थी, उसमें कई लोगों ने कमेंट किया था कि मैम एक दो एक्सरसाइज ऐसी जो थोड़ी सी मुश्किल है हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैंने उन लोगों को ध्यान में रख के ये वीडियो क्रिएट किया है कि कोई एक्सरसाइज ज़्यादा मुश्किल ना हो और ऐसी एक्सरसाइजेज हो जो सभी लोग आराम से कर पाएँ। एंड आई एम श्योर कि आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी ये लगभग सभी लोग बहुत आराम से कर पाएंगे। फिर भी कोई ऐसी एक्सरसाइज है जो आप नहीं कर पाएंगे वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं अगली वीडियो में और आसान और इफेक्टिव एक्सरसाइज आपके साथ में शेयर कर सकूँ। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको बैठ के देखनी नहीं है बल्कि मेरे साथ साथ में करनी है। इन एक्सरसाइज को आप सुबह सुबह खाली पेट करेंगे तो बेस्ट होगा। सुबह सुबह वक्त नहीं मिल रहा है तो रात को सोने से पहले आप इन एक्सरसाइज को डेफिनेटली कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जो कि आपके बेली पे आपके पेट पे असर कर रही है वो आपको खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। ठीक है, कम से कम 1.5 से 2 घंटे का गैप आप ज़रूर लें अगर आपने कुछ हल्का फुल्का खाया है तो, और अगर आपने हैवी मील लिया है कुछ भारी चीज़ें अगर खाई हैं या पेट भर के आपने खाना खाया हुआ है तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे का गैप आप ज़रूर लें। अब आपको कैसे पता चलेगा खाना डाइजेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, थोड़ी देर आप उल्टे लेट के देखिए, यानी कि आप पेट के बल लेटिए और फिर आप देखो कि आपके पेट पे दबाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा है आपका पेट बहुत दब रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, तो समझ जाना आपको अभी और ब्रेक लेने की ज़रूरत है। उल्टे लेटने के बाद अगर आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपके पेट पर बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो खाया है वो ऊपर आने जैसा हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिवाइस को अपने सामने रख लीजिए और इन एक्सरसाइज को मेरे साथ साथ में करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लगातार हमारे चैनल पर आते रहती हैं। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इसको करने के लिए आप इस तरह से यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, इस तरह से अपनी दोनों हथेलियाँ नीचे रख लीजिए अपने कंधों के और पैरों को इस तरह से पीछे की तरफ रख लीजिए, सामने देखिए। अब दोनों अपने जो आपके पैर के अंगूठे हैं उनको इस तरह से ऊपर उठाइए यहाँ पे, और एक बार आपको इस तरह से राइट में जाना है, एक बार लेफ्ट में, ऐसे राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ध्यान रखना आपको ना ऐसे हाथों को ढीला नहीं छोड़ना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो कहीं भी आपको इफेक्ट नहीं आएगा। आपके जो कंधे हैं या आपकी कलाइयों के बिल्कुल ऊपर होने चाहिए इस तरह से। ठीक है, और एक बार राइट लेफ्ट इस तरह से आपको अपने हिप्स का मूवमेंट करना है। ठीक है, जिन लोगों के घुटने में दर्द है वो लोग घुटने के नीचे 2 या 3 तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपके घुटने को सपोर्ट रहेगा और आपको दर्द भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसके हम करेंगे टोटल 10 राउंड्स। चलिए लेट टेक पोजिशन, सामने देखिए एंड स्टार्ट मूविंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 That's it। धीरे से पीछे आ जाइए, पैरों को पीछे कीजिए और आराम से यहाँ पे पीछे बैठ जाइए, क्योंकि अगली एक्सरसाइज हमें यहीं से स्टार्ट करनी है। ठीक है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है डेफिनेटली हर कोई इसको कर सकता है, बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। जो जो चीज़ें बता रही हूँ चीज़ों का ध्यान में रख के इस एक्सरसाइज को करना। सबसे पहले तो एक रूल जो सभी एक्सरसाइज पर लागू होता है वो ये कि कभी भी किसी भी एक्सरसाइज को आपको इंस्टेंट मतलब तुरंत नहीं करना है, अपनी बॉडी को रीड करते हुए धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। खासकर वो लोग जिनको किसी तरीके का बॉडी में इशू है, जैसे कि अगर आपको सर्वाइकल का दिक्कत है या आपको अगर स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, कमर दर्द की दिक्कत है, तो ध्यान से सोच समझ के प्रैक्टिस करना। आराम आराम से पहले आप करो, फिर आप देखो आपकी बॉडी अलाउ कर रही है या नहीं कर रही है। कर रही है तो उसी हिसाब से फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। ठीक है, इस तरह से अपने दोनों हाथों को आगे एक्सटेंड कर देंगे पूरा यहाँ पे, मैट के दोनों किनारों पर रखिए, सर को नीचे रखिए, एक लंबा सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आएंगे ऐसे, और पूरा ऊपर स्ट्रेच करेंगे इस तरह से ये। ठीक है, इनहेल एक्सेल। ठीक है, आपके हाथ आपके पैर एक ही जगह पे रखे रहेंगे, बार बार आपको इनको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने हिप्स को मूव कराएंगे, बैक फॉरवर्ड। ठीक है, इस तरह से इस एक्सरसाइज के हम 10 रेपिटेशंस करेंगे। ये ना सिर्फ हमारे बेली फैट को रिड्यूस करता है बल्कि हमारे आर्म्स के और हमारे हिप्स के फैट को रिड्यूस करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो चलिए पोजिशन लीजिए, इनहेल एक्सेल 2 3 4 5 6
सेवन एट नाइन टेन। एंड जस्ट रिलैक्स, सिट वेल, थोड़ा सा ब्रीथ को रिलैक्स कीजिए, आराम से बैठिए। तो इस एक्सरसाइज के आपको इनिशियली 10 रेपिटेशंस करने हैं, फिर धीरे धीरे आप इनके रेपिटेशंस को बढ़ा सकते हैं। अब देख लेते हैं हम हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस, जो कि डेफिनेटली आपको बहुत आसान लगेगी और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव लगेगी। बस ध्यान से देखते जाइए और मेरे साथ साथ में करते जाइए। जो जो लोग मेरे साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कॉमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों के दोनों साइड्स पे रखेंगे। पैरों की पोजीशन ज़रूर ध्यान से देखिए। तो आपको पैरों को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के नहीं बैठना है, बल्कि इस तरह से खोल के बैठना है। जो लोग आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते हैं वो पैरों को इस तरह से सामने रख के भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोनों हाथों को साइड में रखिए, सांस भरते हुए दोनों हाथों पर पूरा ऊपर स्ट्रेच कीजिए इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे। ब्रीथ में एक बार आपको करके दिखा रही हूँ, फिर आप इसी तरीके से करना। ये इनहेल एक्सेल, पूरा सांस मुंह से बाहर छोड़ना है, और ये मोमेंट आपको आपके पेट में महसूस करना है कि जैसे जैसे आप सांस अंदर भर रहे हैं पेट बाहर आ रहा है, जैसे जैसे आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं पेट पूरा अंदर खींच रहा है। शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा या नहीं हो पाएगा, बट हाँ अगर आप इसकी रेगुलर बेसिस से प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके भी हम 10 रेपिटेशंस करेंगे। इस तरह से रखिए हाथों को एंड स्टार्ट। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड जस्ट रिलैक्स। आई होप कि एक्सरसाइज आप मेरे साथ साथ में ज़रूर कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? अगर कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए कि हाँ जी हम अभी तक आपके साथ साथ कर रहे हैं। चलिए अगला प्रैक्टिस, दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठाइए, हाथों को पूरा पीछे स्ट्रेच कर दीजिए। अब दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़िए और पैरों को सामने स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। ये वन, पैर पीछे हाथ पीछे, पैर आगे हाथ आगे, इस तरह से, ठीक है। इफ़ यू फाइंड इट वेरी चैलेंजिंग, अगर आप इस तरह से पैरों को सीधा नहीं कर पा रहे हैं इनिशियली, पैरों को थोड़ा फोल्ड करके इस तरह से मूव कराइए, ये ऐसे, ठीक है। फिर धीरे धीरे जब आपकी बॉडी आपको अलाउ करे तो पैरों को आप इस तरह से सामने सीधा कर दीजिए, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। स्टिल अगर आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो पैरों को आप नीचे भी रख सकते हो, यानी यहाँ से लेके गए पूरा आगे इस तरह से रख दिया, फिर पीछे और पूरा इस तरह से आगे रख दिया, ठीक है। इनिशियली आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो भी वेरिएशन आपको अच्छा लगता है तीनों में से वो आप कर लीजिए। चलिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कम ऑन, थ्री टू वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड जस्ट रिलैक्स। आप देखोगे आपका लोअर बेली पूरा ऐसे खिंचाव आप यहाँ पे महसूस करोगे, और ये जो प्रैक्टिस है ये ना सिर्फ आपके बेली फैट को रिड्यूस करेगी, बल्कि यहाँ की जो लूज स्किन होती है जो ऐसे लटक जाती है खासकर प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद, उसको टाइट करने में भी आपको काफ़ी हेल्प करेगी, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हमारी लास्ट और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज। इस तरह से दोनों पैरों को पास में रखिए और एड़ियों को हिप से थोड़ा सा दूरी पे रखिए, और दोनों हाथों को आप यहाँ पे रखेंगे इस तरह से, और अपने पैरों को पूरा एक बार राइट में डाउन करेंगे और एक बार लेफ्ट में डाउन करेंगे इस तरह से। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, ठीक है। इस तरह से आपको ये मूव करना है। वन टू थ्री, पैरों को जितना नीचे लेके आ सकते हो उतना नीचे लेके आइए। फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड जस्ट रिलैक्स, नॉर्मलाइज योर ब्रेथ।
सो फ्रेंड्स, इस तरीके से इन एक्सरसाइज को इनिशियली आपको इतने ही रेपिटेशंस करने हैं और फिर धीरे धीरे इनके रेपिटेशंस को आपको इंक्रीज करते जाना है, क्योंकि अगर आप डेली सिर्फ इतने ही रेपिटेशंस करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी बॉडी इन एक्सरसाइज के लिए यूज टू हो जाएगी। अगर आप बेली फैट को कम करने के लिए और एक्सरसाइज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पूरी एक प्लेलिस्ट है बेली फैट लॉस की, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और अगर आप जानना चाहते हो कि बेली फैट को कम करने के लिए कौन सा डाइट प्लान फॉलो करें तो ये डाइट प्लान डेफिनेटली आप देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और आप किस टॉपिक वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।